वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अनस, योर अकाउंट्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है, और मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी सीरीज स्टार्ट करें। तो आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं एनपीओ की सीरीज, जिसमें हम पहले वीडियो में थ्योरी कवर करेंगे। ये चैप्टर बेटा हमें याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम्स में 10 मार्क्स का आता है, और इसलिए चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे बहुत ही कम चैप्टर्स हैं जो इतनी ज़्यादा मार्क्स की वेटेज कवर करते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है बेटा कि इस चैप्टर में बहुत ही कम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी ना होने की वजह से हमारे लिए ईजी हो जाता है इसमें फुल मार्क्स स्कोर करना। तो चलिए आइए चैप्टर बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और टू द सोसाइटी विदाउट एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एस्टैब्लिश किया गया है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या तो अपने खुद के मेंबर्स को या फिर पूरी सोसाइटी को, और इसका प्रॉफिट अर्न करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। सिंपल से मीनिंग है। अब इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, और इसको हम सिंपली एनपीओ भी कह सकते हैं, और हम इसी टर्म को थ्रू आउट द वीडियो ज़्यादा यूज़ करेंगे ना। उसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स अगर आप देखो तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्लब्स, सोसाइटीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स, रिलीजन एंड हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। देखिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये सब जो होते हैं बेटा, इनका प्रॉफिट अर्न करना पर्पस बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि इनका जो पर्पस होता है वो एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। इसलिए स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी हैं, ये सारी के सारी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एनपीओ होती हैं। इसी तरीके से क्लब्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मेंबर्स बनते हैं लोग स्पोर्ट्स क्लब के, और मेंबर बनने के बाद वो उस जो भी क्लब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है उन सर्विसेज को वो अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ सोसाइटीज़ हो सकती हैं जो बेटा कल्चर को प्रमोट करने के लिए या किसी आर्ट को प्रमोट करने के लिए, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग एट्सेट्रा, उसको प्रमोट करने के लिए सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि सर अगर ये एनपीओ है, इसके पास प्रॉफिट तो कुछ होते नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो कर ही नहीं रही है अपना जो इस ऑर्गेनाइजेशन को कैरी, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम आएगी कि फंड्स कहाँ से इनके पास आते हैं। तो देखिए फंड्स जो की बात करते हैं कि फंड्स इनके पास कहाँ से आते हैं, तो देखिए बेटा पहले तो डोनेशंस हो जाती हैं कि इनको डोनेशंस मिलती हैं बिकॉज ये वेलफेयर कर रहे हैं सोसाइटी का या अपने मेंबर्स के लिए भी, तो इनको डोनेशंस मिलती हैं, गवर्नमेंट से इनको ग्रांट्स भी मिल जाती हैं। और देखिए फिर जो मेंबर्स, मैंने आपको बताया कि इसमें मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स बनेंगे तो मेंबर बनने के लिए उनको एक फ़ी पे करनी पड़ती है, तो अगर आप लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन रहे हो तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी जो है वो पे करनी पड़ती है। तो उसके बाद आपको थ्रू आउट योर लाइफ आपको मेंबरशिप फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पूरी लाइफ के लिए होती है। नाउ देर इज़ एन एंट्रेंस फी ऑल्सो। एंट्रेंस फी क्या होती है बेटा, कि जब आप एंटर करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो देखो अगर आप लाइफ मेंबरशिप नहीं ले रहे हो तो इन दैट केस आपको एंटर करते टाइम एंट्रेंस फी देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप एंटर कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में। एंड देन उसके बाद हर साल, एवरी ईयर, आपको एनुअल मेंबरशिप फ़ी देनी पड़ती है। ये एनुअल मेंबरशिप फ़ी का मतलब क्या है बेटा, क्योंकि आपने लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं ली है तो आपको हर साल अपनी मेंबरशिप को रिन्यू कराना पड़ेगा, तो एवरी ईयर मेंबरशिप को रिन्यू कराने के लिए जो फ़ी दी जाती है उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। देन लेगेसी, लेगेसी जो होती है बेटा, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है और उसने अपनी विल में कहीं लिख रखा है कि जो भी अमाउंट उसने उसमें मेंशन किया है कि ये अमाउंट जो है वो डोनेट कर दिया जाए किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो जिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को वो लिख कर जाएगा, तो ये जो अमाउंट है इसको हम लेगेसी बोलते हैं, ठीक है। तो लेगेसी आप कह सकते हो इट इज़ अ काइंड ऑफ डोनेशन गिवन बाय अ पर्सन इन द विल ऑफ अ डिसीज पर्सन। तो डिसीज पर्सन ने अपनी विल के अंदर डोनेशन के बारे में लिखा था तो वो लेगेसी कहलाएगी, और अगर कोई चलता फिरता जिंदा इंसान अगर आपको डोनेशन देता है तो वो सिंपली डोनेशन है, बट अगर विल के थ्रू मिल रही है तो दैट इज कॉल्ड लेगेसी। ये इसमें दोनों में डिफरेंस है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स।
देखिए एनपीओ जो होती है वो क्या क्या प्रिपेयर करती है, इट प्रिपेयर्स कैश बुक, सारी कैश जितने भी ट्रांजेक्शन होती हैं इस पर रिकॉर्ड की जाती हैं, लेजर अकाउंट्स भी अपने बनाते हैं और ये ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। देखिए लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं बिकॉज विदाउट लेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए लेजर अकाउंट्स बनते हैं एंड देन ट्रायल बैलेंस बनता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स, और फिर ये कैश बुक, लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस सब हेल्प करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एनपीओ। तो एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें इन एडिशन दे मेंटेन अ स्टॉक रजिस्टर। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म स्टॉक रजिस्टर, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन हमारे इतने आ रहे हैं तो ऐसी टर्म्स जो आपको लगती हैं वो सारी याद करनी है, जो भी आपको नई टर्म्स लगती हैं तो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर देना। स्टॉक रजिस्टर किस लिए बनाया जाता है, फिक्स एसेट्स के लिए और कंज्यूमेबल्स के लिए। तो फिक्स एसेट्स तो आप ऑलरेडी जानते हो, कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं। तो देखिए जब आप बात करते हो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सपोज हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल जो होगा बेटा, स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज होंगी जो थ्रू आउट द ईयर कंज्यूम हो जाती हैं, यूज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं फिर वो कंज्यूम करने के बाद, जैसे कि स्टेशनरी, तो स्कूल में स्टेशनरी। और अगर आप हॉस्पिटल की बात करो तो हॉस्पिटल में बेटा मेडिसिन होती हैं, या अगर हम अभी स्पोर्ट्स क्लब्स की बात कर रहे थे तो स्पोर्ट्स क्लब के अंदर बेटा जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो उनके स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह होंगे वो थ्रू आउट द ईयर कुछ कंज्यूम होते जाते हैं। तो ऐसे जितने भी कंज्यूमेबल्स होते हैं, आइटम्स होती हैं जो कंज्यूम होती जाती हैं, यूज़ करते जाते हो आप और वो ख़त्म होती जाती हैं, उनके लिए प्लस फिक्स एसेट्स के लिए ये स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको उसको याद रखना है 1 पॉइंट 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से बेटा जैसे ट्रायल बैलेंस, अब जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं जिन पे ज़्यादातर बच्चे फोकस नहीं करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकता है कि क्या एनपीओ ट्रायल बैलेंस बनाती है। देखिए क्योंकि अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप बनाते थे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट जो हमारे होते थे वो क्या क्या होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। नाउ ये जो एनपीओ है, एनपीओ तो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। पहले देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो एनपीओ बनाती है वो उसमें आते हैं आपके रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं जो एक करंट ईयर में होते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है ये आपकी सारी थ्रू आउट द ईयर जितनी भी रिसीट्स हुई हैं या जितनी आपने पेमेंट्स की हैं वो सारे रिकॉर्ड करती है। तो ये जो बनती है ये कैश बुक की हेल्प से ही बनती है, ठीक है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आप ऑलरेडी जानते ही हैं। ये तीनों जो स्टेटमेंट्स आप कह सकते हो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बनती हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो, देखो इसमें पीएनएल अकाउंट तो कहीं बन नहीं रहा है, तो ये ट्रायल बैलेंस जो है ये इसलिए बच्चे सोचते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि हम पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहे हैं। लेकिन आप इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रहे हो और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इस वजह से बच्चों को लगता है कि भाई रिसीट एंड पेमेंट की हेल्प से जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बन रही है तो हमें ट्रायल बैलेंस की शायद जरूरत नहीं होगी, तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते होंगे। बट ऐसा नहीं है, ट्रायल बैलेंस एनपीओ बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से आप अपने लेजर अकाउंट्स को भी चेक कर पाते हो। तो इसलिए हमको याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स भी बनाते हैं और कैश बुक तो बनाते ही हैं। नाउ ये जो रिकॉर्ड्स रखते हैं, इट इज देयर स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। मतलब स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब बेटा कि ये लॉ लॉ की रिक्वायरमेंट है कि उनको बनाना पड़ेंगे अपने अकाउंट्स, ठीक है। प्लस उससे उनकी हेल्प होती है कि वो जो उनके पास फंड्स आ रहे हैं उन फंड्स को वो कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो उनको पता लगेगा तभी जब वो अकाउंट बना रहे हैं, मतलब प्रॉपर कंट्रोल रखने के लिए अपने फंड्स के ऊपर भी वो अकाउंट्स बनाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड भी है और प्लस उससे उनको अपने कंट्रोल रखने में फंड्स को की यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है टू द मेंबर्स, डोनर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड टू द स्टैच्यूटरी अथॉरिटी विच इज रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। देखिए मैंने आपको बताया कि इनके पास जो फंड्स आते हैं वो उनको एक तो मेंबर्स के पास से आते हैं, जैसे लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी और सब्सक्रिप्शन एट्सेट्रा। इसी तरीके से जो डोनर्स या कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो उनको डोनेशन वगैरह देते हैं, तो वो लोग भी आपकी एनपीओ से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं क्योंकि फंड्स आपको वही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनका ये राइट है कि आप उनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। तो जो भी आप अकाउंट्स अपने बना रहे हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हो, तो ये आपको प्रेजेंट करनी होती हैं मेंबर्स को, डोनर्स को और जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। प्लस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप स्टैच्यूटरी अथॉरिटी को, अब ये स्टैच्यूटरी अथॉरिटी क्या होती है, स्टैच्यूटरी अथॉरिटी अगेन
लॉ ने जो डिसाइड की होगी एक अथॉरिटी, उस अथॉरिटी को आपको दिखाना पड़ेगा। नाउ वो अथॉरिटी कौन सी है? वो अथॉरिटी होती है बेटा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। नाउ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज कौन सी अथॉरिटी? ये वो अथॉरिटी है जहां से आप अपनी सोसाइटीज को रजिस्टर कराते हो। सोसाइटीज आपने पढ़ी होंगी क्लास 11th में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी वो होता है जिसके साथ आपको अपनी सोसाइटी को रजिस्टर कराना होता है। तो एनपीओ जो होती हैं वो भी इसी के साथ रजिस्टर होती हैं, तो इसलिए आपको अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाओगे वो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के साथ आपको सबमिट करनी पड़ती है उसको। तो देखो बेटा फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है कि कौन सी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है जिसके साथ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पे वन मार्कर में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसमें आंसर होगा आपका रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। अब एक बात आपको और याद रखनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है इनको हम फाइनल अकाउंट्स या एनुअल अकाउंट्स भी बोलते हैं। वैसे आप ये 11th में भी जान चुके हो बट स्टिल कुछ बच्चों को डाउट्स रहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है, तो इसको आपको याद रखना है। नाउ अब बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो एनपीओ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो फीचर्स हैं, तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी वो है एंटिटी, सॉरी एंटिटी, सेपरेट एंटिटी। तो सेपरेट एंटिटी होती है एनपीओ की, ठीक है। इट इज ओन्ड बाय एनी, नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एंटरप्राइज। कोई इंडिविजुअल कोई एंटरप्राइज इसको ओन नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सोसाइटी या ट्रस्ट के थ्रू चलती है, ठीक है। तो सोसाइटी या ट्रस्ट आपको बनाना पड़ता है, वही इसको जो है मैनेज करता है, उसी के थ्रू ये काम करती है। तो इसलिए कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन इसका ओनर नहीं होता या कोई एंटरप्राइज की ओनर नहीं है, तो इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नाउ इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई मेंबर एडमिट हो जाता है, नहीं तो उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको पूरी सोसाइटी या ट्रस्ट जो है वो चला रही होती है। तो एक पर्सन के एडमिट होने से या डेथ होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं मैनेजमेंट। तो इट इज मैनेज मैनेज्ड बाय अ मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो देखिए जो मेंबर्स इसके होते हैं सोसाइटी के, जो ट्रस्ट के जो मेंबर्स होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं एक मैनेजिंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी, और वो ही इसके डिसीजंस लेती है, वो इसको मैनेज करती है। नेक्स्ट आती है बेटा फॉर्म। तो ये मैंने आपको अभी बताया ही है कि इसको जो हम सेटअप करते हैं, तो ये सोसाइटी या एज ए ट्रस्ट जो है वो सेटअप की जाती है। तो ये एक चैरिटेबल सोसाइटी या चैरिटेबल ट्रस्ट की फॉर्म में काम करती है। नेक्स्ट आता है बेटा इसका पर्पस। पर्पस हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि इसका पर्पस क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो ये प्रोवाइड करती है कैसी सर्विसेज? कल्चरल, एजुकेशनल, चैरिटेबल, रिलीजियस सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और टू द सोसाइटी एट लार्ज, या तो पूरी सोसाइटी को या अपने मेंबर्स को ये कल्चरल, एजुकेशनल, चैरिटेबल या रिलीजियस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। अब आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है, या इसकी कोई एक नॉमिनल कॉस्ट भी हो सकती है विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। देखिए अब ये नॉमिनल कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो बहुत कम कॉस्ट पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने एक्सपेंडिचर को जो कवर करने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए होता है, उसके लिए वो कुछ कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगेन बात वही आती है कि इनका जो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए, एक्सपेंसिस को कवर करने के लिए कुछ नॉमिनल कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रेपुटेशन। अब इनकी जो रेपुटेशन है, देखिए जो एक जनरल बिजनेस होता है, बिजनेस अपनी रेपुटेशन कैसे अर्न करता है? अपने कस्टमर्स को, या जो उसके ओनर्स होते हैं या कस्टमर्स जो होते हैं, जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है, उन लोगों के थ्रू यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करके वो अपनी रेपुटेशन अर्न करते हैं। लेकिन ये जो एनपीओ है, एनपीओ अपना जो वेलफेयर का काम करती है, क्योंकि तो जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया है इन दी वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी, उसके थ्रू वो अपनी रेपुटेशन को अर्न करती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है। अगर वन मार्कर के लिए सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो अपनी रेपुटेशन वो कैसे अर्न करती है? थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ फंड्स। इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। ये एक वो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा जिससे मेनली आप अपने जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनसे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। देखिए हमने बोला था कि एनपीओ जो है उसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, और जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है। अब क्योंकि इसका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है, तो इसका जो प्रॉफिट आता है, हम देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो याद रखनी है कि क्योंकि इसका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक एनपीओ प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती।
अब आप ये कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई कि प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है, लेकिन प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। देखो, प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज इनकी ऐसी हो सकती हैं, ये कुछ ऐसे सर्विसेज हो सकता है प्रोवाइड कर रहे हो जहां पे इनको कुछ नॉमिनल प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए मना नहीं किया है, प्रॉफिट अर्न हो सकता है। तो फिर क्वेश्चन यही माइंड में आता है कि सर अगर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं तो फिर तो प्रॉफिट मोटिव हो गया। नहीं, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, लेकिन कुछ इंसिडेंटल इनकी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें इनको प्रॉफिट हो सकता है। नाउ अगर प्रॉफिट होगा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो भी इनका प्रॉफिट होगा उसके लिए ये प्रॉफिट वर्ड यूज ही नहीं करते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं सरप्लस। सरप्लस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये सिंपली ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल इनकम कितनी हुई, ठीक है बेटा। इनकम कहाँ से होगी? डोनेशन से, ग्रांट से, या मैंने जैसे बताया कुछ इंसिडेंटल एक्टिविटीज होती हैं वहां से कुछ इनकम इनकी हो सकती है। तो ये जो इनकम होगी और इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो भी इनके एक्सपेंसेस होंगे, तो अगर इनकी इनकम ज्यादा हो जाती है और एक्सपेंसेस कम है तो हम उसको बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो हम यहाँ पे सरप्लस टर्म यूज करते हैं, हम यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो ये जो सरप्लस इनका होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इनके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है, देखिए जब आपका कोई एक बिजनेस होता है तो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आप अर्न करते हो वो किसका होता है? वो ओनर्स का होता है और वो ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सरप्लस ये अर्न कर रहे हैं ये आप इनके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से। तो इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर इनको कुछ इनकम हो भी जाती है, कोई सरप्लस इनके पास आ भी जाता है, तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि सारे मेंबर्स उस सरप्लस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? ये उस अमाउंट को फिर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे, उसी में लगाएंगे। तो जैसे कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जो अमाउंट उसने अर्न किया उसका वो रिजर्व बना देती है, और रिजर्व बना के बाद में उसे ऑर्गेनाइजेशन में ही लगा देती है। तो इसी तरीके से ये लोग भी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बट वो क्या करेंगे, उस अमाउंट को अपने पास ही रखेंगे और दोबारा से उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एनुअल अकाउंट्स ये बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं बेटा? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और इनको वो सबमिट करते हैं किसको? रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को। तो रजिस्ट्रार को ये सबमिट करने होते हैं, और आपको बाकी जो आपके जो डोनर्स हैं या मेंबर्स हैं उनको भी हमें इसको सबमिट करना होता है। ओके, तो ये बेटा हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें सारी कवर हो गई। अब लास्ट में हमें इसमें देखना है कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ में मेनली क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो डिस्कस करते हैं बेटा वन बाय वन। सॉरी, देखिए पहला जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप देखो तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, हमें पता ही है एनपीओ का, कि रेंडर सर्विसेज, प्रोवाइड करना सर्विसेज अपने मेंबर्स को और सोसाइटी को। जबकि एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना बेटा कि फंड्स जो इनके पास आते हैं वो कैसे आते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ डोनेशन, सब्सक्रिप्शन या लाइफ मेंबरशिप फी। मतलब जो भी इनके फंड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे फंड्स जो होते हैं उसको हम कैपिटल के अंदर शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड। यहाँ पे जो टर्म यूज होती है वो कैपिटल फंड यूज होती है। और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स कहाँ से आते हैं? ये इनके ओनर लेकर आते हैं, ठीक है। ओनर इस फंड को लेकर आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जो फंड आता है वो ओनर लेकर आता है, जिसको हम जनरली, हमें पता है कि कैपिटल बोलते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस कॉल्ड कैपिटल, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनके पास कोई फंड्स ओनर से तो आ नहीं रहा है, तो इनके पास जो फंड आते हैं या तो डोनेशन मिलती है, या सब्सक्रिप्शन वगैरह देता है, या एंट्रेंस फी वगैरह देता है। तो अब इनके पास ये जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सॉरी जो फंड्स आ रहे हैं, ये फंड्स जो होते हैं बेटा इनको हम कैपिटल फंड के अंदर शो करते हैं, तो इसलिए हम इसको कैपिटल फंड बोलते हैं। और जबकि यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो जैसे आपके प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हम कैपिटल वर्ड यूज करते थे, तो यहाँ पे हम कैपिटल वर्ड ना यूज करके कैपिटल फंड यूज करते हैं, क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे
जो है चलती है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बस हमें इतना याद रखना है कि कैपिटल फंड बोलते हैं इसमें, जबकि हम कैपिटल बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, लास्ट टू पॉइंट्स इसके बेटा, सरप्लस और प्रॉफिट। जो मैंने आपको अभी बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इसमें जो है हम टर्म यूज करते हैं सरप्लस प्रॉफिट की जगह, और डेफिसिट वर्ड यूज होता है बेटा लॉस। जैसे उसमें लॉस वर्ड यूज होता था, इसका मतलब है कि अगर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हो जाएं इनकम से, अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब डेफिसिट है, मतलब हमारे पास अमाउंट जो है वो कम पड़ गया है एज कंपेयर टू इनकम, यानी एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे, सॉरी एक्सपेंडिचर जो है हमारे ज्यादा हो गए हैं एज कम्पेयर टू इनकम, तो इसके लिए हम यहाँ पे डेफिसिट टर्म यूज करते हैं। और अगर इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो हम सरप्लस टर्म यूज करते हैं। जबकि हमें याद है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो हम टर्म यूज करते थे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस या प्रॉफिट के बारे में। हमारे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं अपने मेंबर्स में, बल्कि ये क्या करते हैं, इसको कैपिटल फंड के अंदर ही ऐड कर देते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि वापस उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं। जबकि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बेटा अपने प्रॉफिट्स को ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, या अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो बेटा ये थी कुछ हमारी बेसिक थ्योरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे हमने थ्योरी कवर कर ली है, अभी कुछ और जो थ्योरी है लेकिन वो रिलेट करती है मेनली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, तो उसका प्रॉपर पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो थ्योरी अपने आप ही कवर हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम लेकर आएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो तब तक के लिए बेटा टेक केयर एंड गुड बाय। और अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारी वीडियोज़ आप तक आ सकें।